डेल्ही वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज़ #1 इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। देखिए, शनिवार को कुल 13 कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की जानकारी इस वक्त हमको मिल रही है। सुबह 8 बजे तक की जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद जो ताज़ा जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक अजमेर शहर में 13 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आ चुके हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि जो 13 के 13 मामले हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो मरीज है, एक मरीज की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है। बाकी के तमाम जितने भी मरीज हैं वो सारे मरीज बिल्कुल नए मरीज हैं और 13 के 13 मरीजों में किसी प्रकार के कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आखिरकार कौन किस इलाके से आया है, तो इसमें हम बता देते हैं कि जो 13 पॉजिटिव के मामले आए हैं, इसके अंदर 8 तो पुरुष है कोरोना पॉजिटिव के और 5 महिलाएं हैं, जिसमें से जो 4 महिलाएं हैं वो सैटेलाइट हॉस्पिटल अजमेर की हैं, जो यहाँ पर भर्ती हुई थी। वो महिलाएं हैं जिसमें से एक अजयनगर की हैं, एक आदर्श नगर है, एक परबतपुरा की हैं और एक ब्राह्मणों का बढ़िया नाम का जो इलाका मेंशन किया है रिपोर्ट के अंदर, वहां से बताया जा रहा है। ये महिलाएं हैं और अब इन तमाम महिलाओं, क्योंकि हमने देखा कि जो सैटेलाइट हॉस्पिटल है यहाँ पर सबसे पहला केस जो है वो शुक्रवार को आया था और शुक्रवार के बाद इस इलाके को, इस हॉस्पिटल को पूरे को सैनिटाइज किया गया है। यहाँ से मरीजों को, जो मरीज यहाँ पर आए थे उनको घर भेजा गया है। कुछ मरीज जिनके इलाज होने थे, जिनकी डिलीवरी होनी थी, उनको जनाना अस्पताल रेफर किया गया है। और ये यहाँ से अब जो टोटल है वो सदर हॉस्पिटल से 4 महिलाएं अब कोरोना पॉजिटिव सामने आई है। टोटल 5 महिलाएं हैं। इसके साथ में एक जो मामला है वो केकडी से आया है और एक मामला पंचशील से आया है। यहाँ पर जो पंचशील में जो मामला आया है, इसकी एक रैंडम सैंपलिंग ली गई थी और उस रैंडम सैंपलिंग के आधार पर ही इस मरीज की रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बारे में ये जानकारी दी जा रही है कि ये मरीज अपने गांव जाना चाहता था, यहाँ पर मजदूरी करता था और मजदूरी के लिए इन्होंने अपने गाँव जाने के लिए पास के लिए आवेदन किया था और उस आवेदन के चलते ये अपना कोरोना की जांच करवाने के लिए आए थे और उसी दौरान इनकी जो रिपोर्ट आई है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। 2 मरीज ब्यावर से बताए जा रहे हैं, 2 मरीज ब्यावर से आए हैं और केकड़ी से जो पहला एक मरीज आया है, ये बिल्कुल पहली नया केस है केकड़ी से। बिल्कुल अभी तक केकड़ी में किसी प्रकार का कोई भी कोरोना का केस नहीं था, लेकिन पहला केस अब केकड़ी से सामने आ चुका है। ये जो शख्स है ये इंदौर से आया था और इंदौर से केकड़ी आने के बाद इसको क्वारंटाइन कर दिया गया था, लेकिन अब क्वारंटाइन के दौरान जब जांच इसकी की गई है तो उस जांच के अंदर इसकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ गई। यानी कि कुल मिलाकर अजमेर पहले जो केसेस आ रहे थे वो अजमेर के एक लिमिटेड, एक सीमित दायरे से आ रहे थे, सीमित इलाकों से आ रहे थे, लेकिन अब जो दायरा जिस तरीके से कोरोना का बढ़ गया है तो कोरोना का दायरा शहर के दूसरे इलाके और सबसे बड़ी बात है जिले के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां से भी अब ये केस आना शुरू हो चुके हैं। और इसमें से जो 3 केस हैं, 3 केस जो कोरोना पॉजिटिव के आए हैं सामने, ये जीसीए के अंदर क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया गया है वहां से है और एक जो मामला है वो मानसिंह जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है वहां से आया है। सबसे गंभीर जो बात है जो हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जितने भी आज 13 केस आए हैं कोरोना के सामने, इनमें से किसी के अंदर भी कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे और इसमें से एक ही शख्स ऐसा है जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के आधार पर उसकी सैंपलिंग हुई थी और एक शख्स है जिसकी रैंडम सैंपलिंग की गई है। तो बड़ी समस्या चिकित्सा विभाग के सामने आ चुकी है अब। और जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछली वीसी में जिले के अधिकारियों को और चिकित्सा महकमे को ये आदेश और ये निर्देशित कर चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अजमेर जिले के अंदर अब सैंपलिंग के ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि अभी तक सर्वे और स्क्रीनिंग का काम चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से मामले नहीं आए, आज के जो मामले एकदम से आए हैं, इन मामलों के अंदर भी कोरोना के लक्षण नहीं है मरीजों के अंदर और इसीलिए अब मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिया है उस निर्देशों के ऊपर काम शुरू हो गया है। और आसपास के जो इलाके हैं, जितनी भी ये जो जगह हैं, जिसमें परतपुरा का इलाका हुआ, पंचशील का इलाका हुआ, इनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के ऊपर अब काम शुरू हो गया है। इनसे पूछा जा रहा है, मेडिकल की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है, जांच और किन किन लोगों की होगी, इनके संपर्क में कौन कौन से लोग आए हैं, उन तमाम लोगों की अब सैंपलिंग होगी। उनकी स्क्रीनिंग नहीं होगी, उनकी सीधे तौर पर सैंपलिंग होगी, उनके सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद उनकी भी जांच होगी। और जिस तरीके से मामले अजमेर जिले से और बाहर के इलाकों से आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग के लिए बहुत चिंता की बात है और ये चिंता को बढ़ा दे रहा है। लेकिन जो मेडिकल की टीम है वो एक ही बात इस वक्त कह रही है कि तमाम लोगों को अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। उसके साथ साथ लोगों को अपने घर से बाहर अब नहीं निकलना है, क्योंकि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं उसको देखकर जैसे कि डबल सेंचुरी अजमेर आंकड़ों के अंदर मार चुका है। और अगर इस पूरी रिपोर्ट के आधार पर बात की जाए तो ये आंकड़ों में बढ़ोतरी अब होनी ही है। लेकिन सबको एक ही बात चिकित्सा विभाग कह रहा है कि सभी लोगों को अपना ध्यान खुद रखना होगा, क्योंकि इस महामारी को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कदम है वो आम लोगों को ही उठाना होगा, शहर वासियों को ही उठाना होगा, अपने घर पर ही उनको रहना होगा। नहीं तो जो कोरोना के मामले जिस तरीके से एकदम से बढ़कर आ रहे हैं, सिम्टम्स लोगों में नहीं आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती और बड़ी परेशानी भी बढ़ जाएगी। देखिए, अब तक कुल हमारे पास में 209 पेशेंट पॉजिटिव अजमेर जेएलएन मेडिकल कॉलेज में आ चुके हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति जयपुर ज़िले के हैं जो पुराने हैं, और 1 व्यक्ति नागौर ज़िले के और 1 व्यक्ति पाली ज़िले के हैं। लेकिन जो अजमेर में जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो कुछ गांवों के भी पॉजिटिव हैं, और जो ज़्यादातर जो अभी कल की जो रिपोर्ट है उसमें ज़्यादातर गर्भवती महिलाएं हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार हमें उसके ऑपरेशन से या डिलीवरी से पहले कोरोना टेस्ट कराना है, और उस लिए वो चारों गर्भवती महिलाएं पॉजिटिव आई हैं, जिनका सैंपल जो है आदर्श नगर एरिया में लिया गया था। उन चारों गर्भवती महिलाओं को हमने हमारे यहाँ भर्ती कर लिया। रात को ही जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट पॉजिटिव आई और सुबह एक गर्भवती महिला को जब प्रसव की जब दर्द हुआ तो हमने तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट जो उसको वहीं ड्यूटी लगा रखी है, उन्होंने उसको असेस किया, और एक बहुत खुशी की बात यह है कि उसका सक्सेसफुल सिजेरियन ऑपरेशन, मुझे लगता है मेरी जानकारी में और कहीं नहीं है शायद, तो सक्सेसफुल सिजेरियन ऑपरेशन इसी कोविड अस्पताल में हुआ। उनको स्वस्थ मेल चाइल्ड हुआ है, वो दोनों माता और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। और इसके लिए जो हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है, जिसमें डॉक्टर पूजा और डॉक्टर गिरधारी, डॉक्टर दीपाली, जिन्होंने डॉक्टर अरविंद खरे जो एनेस्थेटिस्ट हैं उनके नेतृत्व में, डॉक्टर मुकुट उन्होंने उनको एनेस्थीसिया दिया, और हमारा जो वार्ड जो स्टाफ है मिस्टर अजय मीणा और वार्ड बॉय अजय, इन सब की टीम ने मिलकर उसका सक्सेसफुल ऑपरेशन किया। माता और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, तो इससे हमें भी कॉन्फिडेंस हुआ कि हम इस तरह के मरीज़ों को भी हम आराम से डील कर सकते हैं और इस तरह की मरीज़ों को कोई हम आगे तकलीफ नहीं आने देंगे। मतलब माता पॉजिटिव थी, उसके बाद माता पॉजिटिव थी, गर्भवती थी, उनका वहाँ आदर्श नगर की रहने वाली महिला, उनका टेस्ट हुआ, जब पॉजिटिव आई हमने रात को उनको यहाँ शिफ्ट किया। सुबह उनको प्रसव का दर्द हुआ और सुबह लगा कि बच्चा जो है वो उल्टा है, तो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुरंत असेस करके हाथ का तो ऑपरेशन किया उनका, और दोनों ठीक है। बच्चे की रिपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे की रिपोर्ट समयानुसार पीडियाट्रिशियन के होगा उसके बाद करेगी, क्योंकि ये कोरोना पॉजिटिव मैं कई बार कह चुका हूँ, कोरोना ब्लड से ट्रांसफ्यूज नहीं होता, ब्लड से ट्रांसमिट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि गर्भवती महिला अगर पॉजिटिव है तो उसका बच्चा पॉजिटिव आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ये संक्रमण होता है फोमाइट से या रेस्पिरेटरी, मतलब खांसने छींकने थूकने से होता है, ऐसा एक दूसरे से ब्लड से नहीं होता है, तो इसलिए इसकी कोई संभावना नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क से भी नहीं होता है। अगर गर्भवती महिला पॉजिटिव है तो उसके स्तनों में जो दूध आता है उसकी वजह से बच्चा पॉजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर माता छींकती है, खांसती है, तो फिर उसको संभावना है कि बच्चे को संक्रमण हो, तो इसलिए हम शुरू में बच्चे को अलग रखते हैं। हमारे पीडियाट्रिशियन असेस कर रहे हैं कि बच्चे को माँ को देना चाहिए या अलग नर्सरी में रखना चाहिए, वो प्रक्रिया जारी है। अब कितने स्वस्थ हो सकते हैं? अब तक कुल हमारे पास में 69 लोग जो हैं वो कोरोना फ्री होकर जा चुके हैं, जिसमें वो 5 व्यक्ति भी शामिल हैं जो कि जयपुर में थे।